हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे खाने खराब लोग में। आज काशिफ भाई फिर फंसे, लंबाई ने बच्चे, आज इनके भाई ने 85 खा लिए, एक जीबी का रिचार्ज। पीलो भाई फुल बकचोदी करता हूं, लंबाई फुल बकचोदी करता हूं और गांडूपन ये बोलने नहीं दे रहा है मुझे। देखो इनकी ऐसे बकचोदी भाई, लंबाई इनका भाई है शारिक, उनने करवाया था एक दिन का रिचार्ज। भाई है छोटा, अभी अपनी कहानी में 1.5 GB वाला 19 रुपए वाला रिचार्ज करवाया था उनने और 500 का नोट देता, और इन्होंने ऐसी करवा लिया रिचार्ज 302 रुपए का 1.5 GB वाला 28 दिन वाला। अब गाइस देख लो शकल, देख लो शकल, मेरी शकल पे तो तुम्हें पता ही होगा। देखो गाइस यही बचपन से आरामी, अरे अभी हैंड फ्री करके मैं रिकॉर्डिंग करूंगा उसकी लंबाई की, और देख लो लंबाई कितनी गाली हो गई। अपनी शकल नहीं दिखा रहा है, ये देखो ये रहा, ये रहा गाइस, ये लेमिनेटर पी रहे हो खुशी में, ओवर से लग रहा है, लेमिनेटर पी रहे हो खुशी में कि गम भूल। हां छोटा, तो गाइस ये लंबाई का फोन आया है और ये कह रहा है बच्चे काबू फूल मत के, हालत देख लो हालत, हंसा भी नहीं जा रहा, और के भाई को बुलाया जाए यहाँ पे रोने वाले। चलो चलो काशी भाई 300 रुपए में दे दूं आपको उधार, बहुत ही गाली बकती लंबाई ने, और लंबाई को गुस्से में कह रहा मुझसे काम वाम मत कराया कर, और हाँ लंबाई की देख लो 19 रुपए रिचार्ज में 500 रुपए दिए थे तो धोखा होना ही था, 300 रुपए की टिकवाई लंबाई की, लंबाई वैसी खाना खराब फिर रहा थी, 5 दिन से 500 रुपए जीत के लाए थे। जानना ये है गाइस, ये 300 रुपए काशी भाई कैसे भरेंगे, क्या करना पड़ेगा काशी भाई को 300 रुपए बनने के लिए, क्या काम करेंगे। तो काशिफ भाई, हेलो काशिफ भाई, काशिफ भाई क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो काशिफ भाई, काशिफ भाई इधर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं भाई? क्या करोगे आप 300 रुपए पूरा करने के लिए? लंबाई तो बहुत जालिम आदमी बहुत मारेगा तुम्हें काशिफ भाई। और गाइस मेरी खुशी के ठिकाने नहीं है, ये देखो लेमोनेड पी रहा हूँ, मेरी खुशी के ठिकाने नहीं गाइस, मैं बहुत ही खुश। असल में मसला ये था, रिचार्ज काशिफ भाई मुझसे करा रहे थे, पहले मैंने कहा भाई ऊपर के पैसे दो 2 रुपए, तो इन्होंने 2 रुपए मुझे दिए नहीं। तुम्हें पता है खाने खराबी कितनी चल रही है, तो आशु भाई के पास से गए थे रिचार्ज करवाने। जी हाँ, बहुत बड़ी टिकी, काशिफ भाई को देख सकते हैं एक बार, बहुत बड़ा दिल से दुआएं दे रहे थे, बहुत बड़ा झटका। इनकी ना दुआएं लेना, इनकी ना बददुआएं लेना, बहुत ही हरामी आदमी है इम्तियाज भाई। तो भाई जैसे ही काशिफ भाई दिख रहे हैं आपको, ये आ रहे हैं लंबाई गाली भाई, कुछ भी कहो एक बात मैं तुमसे हकीकत कहूँगा, ये इम्तियाज भाई जो हैं हमारे, एक मिनट कैमरा दिखाइएगा आप, ये इम्तियाज भाई जो हैं इनकी ना दुआ लेना ना बद दुआ देना, ये बहुत ही सुअर आदमी है एक नंबर। और बताइए, इन्होंने मुझसे किया कि 3 रुपए की चीज के दे मेरे पैसे और वो दे 300 वाला रिचार्ज कराना है, तो भैया हमने 300 वाला रिचार्ज इनसे नहीं करवाया, हमने करवाया आशु मंत्री से। गाइस ब्रेकिंग न्यूज तो ये है, लंबाई भाई और सुनो लो, ये बात काट रहे हैं, ये बात काट रहे हैं, बात मेरी पूरी होने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तो गाइस उन्होंने करवाया था 19 रुपए वाला रिचार्ज जो 1.5 GB का होता है, MB का, मतलब उनको MB चाहिए थी। अरे थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लंबाई बहुत टाइम से परेशान, पता नहीं कैसे करके लाए थे 500 रुपए 5 दिन में, लंबाई पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, लंबाई को कभी झुकना पड़ा कभी उठना पड़ा, तो 500 रुपए कमा के लाए थे। तो भाई ये ऐसी कमाते हैं तो ये दूसरों को भी ऐसी समझते हैं। मंत्री भी कुछ, मंत्री खुश है, आगे तो रिचार्ज नहीं करवाएंगे, 90 पैसे की मंत्री की भी टिकी है, ऊपर के 90 पैसे नहीं मिले। जी गाइस ये मंत्री की दुकान है, अगर कुछ भी सामान चाहिए हो किराना का तो आए और लेकर जाए, रात को 11 बजे तक खुलती है, सुबह को 5 बजे से। बहुत ही 90 पैसे छुड़वाए रिचार्ज ही है। नदीम भाई को खुशखबरी दी जाती है, नदीम भाई को 1.5 GB सुन तो ले, अब 1.5 GB मत करवा, आ गया क्यों, 3 GB हो जाएगी, 8 GB भी हो गए ना उसका, ना आया करवाया पैसे। तो गाइस नदीम भाई को बहुत बड़ा नुकसान, मंत्री करने लगे हैं रिचार्ज, और 90 पैसा नुकसान अपने पास से।